अरे भैया ने राम राम भाई, अभी मन्नू मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। और भाई अब हमारे साथ है हरियाणा का एक सुपरस्टार कोच, आज बहुत ही बढ़िया कबड्डी टीम तैयार करने लग रहा है। पहलवान जी राम राम। राम राम जी, सारे दर्शकों ने मेरी हाथ जोड़ के राम राम जी। और जवर पहलवान ठीक ठाक? बढ़िया जी, बिल्कुल। पहलवान जी एक बार सारे भैया का इंट्रोडक्शन दो। ये जी मन्नू खरेटी है जी, ये सतबीर जी हैं अपने, अजय है, गोविंद बरसोला जी, ये दो मिलाने छूट माज मारम खेल रहे हैं जजवंती टीम में। बढ़िया प्रदर्शन है इनका, बहुत बढ़िया खेले। अच्छा, जजवंती की किसी की तैयारी चल रही है? ठीक तैयारी चल रही है जी, भगवान की दाद, बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे, आगे जाके बहुत बढ़िया खिलाड़ी तैयार हो जाएंगे जी अपने। भाई मनु आगा थोड़ा सा, यो है भाई बढ़िया कबड्डी खिलाड़ी रिंकू खरेटी के गाँव से, मनु खरेटी बहुत बढ़िया सोरा कबड्डी खेला है। मनु राम राम भाई। राम राम भाई से पवन। और भाई ठीक ठाक हो? हाँ बढ़िया भाई। पलवन जी किसी की तैयारी है? भाई कबड्डी तैयारी है। तो पलवन जी दो चार बात कति स्पीड से पूछना चाहूँगा, कई जने सारा तो पूछेंगे, आपका बेस्ट रेडर कौन है? रिंकू जी। क्यों, आपके गांव का हजाद मेरा की? ना ना जी, बहुत बढ़िया फेमस है, पूरा भारत में फेमस है। और बेस्ट कैचर कौन है? मनीष मानपुरा भाई। उसमें क्या क्वालिटी है? भाई अपने दो चार बार खेल लिया है, उसने बढ़िया प्रदर्शन करा है, बाहर भी बढ़िया प्रदर्शन करा है, भाई का बोलने चलने का तरीका बढ़िया है। वेट हाइट कितना आपका? 5-7 मेरी हाइट है भाई साहब, 65 kg मेरा वेट है। और आपके गुरु कौन है? दर्शन पहलवान जी हैं कोच साहब, और जयवान पहलवान जी। मतलब आप जो प्रैक्टिस करते हो वो जो जींद जो अकेडमी जवान पलवार ने बना रखी है वहाँ करते हो? हाँ वहाँ करा पहले। कैसे मन बने आपका कबड्डी खेलने का? भाई साहब मेरे गांव की पहले टीम थी, थोड़ी ठीक सी थी वैसे, उसमें बालक कराया करते प्रैक्टिस होती, देख कर ना आप भी लग गए, फिर ठीक प्रदर्शन हाँ होने लगा, पहले वेट में खेले, ये भी रिंकू पहलवान हो गए बढ़िया, उसके बाद में हमने ओपन में टीम भरी, जित भी हमने लगभग टीम भरी, लगभग फर्स्ट आए। वेट में बेस्ट आए? भाई साहब ओपन में आया हूँ, वेट में एक बार आया था जमोला, जब वेट का ओपन था, मतलब कोई प्लेयर भी किसी में खेलो, जब आया था एक बार बेस्ट, सेमी में आया था। और अभी आपने कहा ओपन में बेस्ट आए हो, तो क्या प्राइज जीता? ओपन भाई साहब 21,000 रुपये जीते एक बार, और एक बार उस साइड झज्जर साइड थे वहाँ घी का पिप्पा था वो जीता, और एक बार चांदिया कड़ा जीता। पंजाब का ना खेलने का जाने का मौका लग गया, क्योंकि रिंकू पहलवान तो लगभग पंजाब में खेला? हाँ भाई साहब खेल रहे हम पंजाब में, रिंकू के साथ में खेला USA क्लब में, वहाँ ठीक प्रदर्शन रहा, बाकी एक बार मैं और गया था रिंकू के साथ में, जब मेरे चोट लग गई उसके बाद में फिर मैंने दोबारा रिकवरी करी और फिर हरियाणा में खेलने लगे, फिर भाई साहब बोले अपनी हाड़े टीम बनाए भाई, वहाँ मैच बंद हो गए। तो विदेश में जाने का कोई मौका है, कोई सपना है, गए हो या नहीं गए हो? भाई साहब सपना तो है, फिर भाई साहब है रिंकू है वो करवाऊँगे, देखो कुछ हो गया तो, बाकी सपना तो किसका कौन है, बाहर भीतर जाने का। आज तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन कित करे अपना? भाई साहब मेरा सामलो खुर्द की धरती पर रहा बेस्ट, कणेली रहा, और कल परसों मोरखी की धरती पर भी ठीक प्रदर्शन था। आदर्श प्लेयर किसने मानो? आदर्श रिंकू है जी अपना, तो सब कुछ सब तो बढ़िया। भाईचारा किस गल्ले है? सारे गले भाईचारा भाई साहब बढ़िया। कौन सी टीम की बाहर की टीम में सबसे ज़्यादा खेलना पसंद करते हो? जजंती में भी खेलना पसंद करा भाई साहब बढ़िया, दनाना है, और मतलब लगभग इन्हें टीम में खेला नहीं तो, रिंकू अपने भर ले और अपने भर ले हाल ले रिंकू के बगैर भी। यो भाई गोविंद बरसोला से है, बहुत बढ़िया कबड्डी खेल रहा है ना तू? कैचर कैचर। तो यो भाई बहुत बढ़िया कबड्डी खेल रहा है, इस तरह बात कराएंगे। गोविंद भाई राम राम। राम राम सारे भाई। पहलवान जी आपके गुरुजी कौन है? मेरे गुरुजी जय भगवान पहलवान जी और दर्शन कोच साहब हैं जी। कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं बीए फाइनल ईयर में रहा कोच। आपका बेस्ट रेडर और कैचर कौन है? रिंकू खरेटी है, बेस्ट कैचर शिलू बाबू है। क्या क्या खंडा रखे हो गए रिंकू का नाम लेना है? ना जी बढ़िया प्लेयर है जी, आदर्श मानना, बढ़िया खेला है, बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, सारा बेस्ट है, हरियाणा पंजाब में रुका है, विदेश में भी बेस्ट है रहा है, बढ़िया खिलाड़ी है, ज्यादा बेस्ट है। आप कैचर हो तो कदे रिंकू के खिलाफ भी खेल लो? ना जी ये ब्लॉक मौका नहीं मिला, इसे साल में मैं नहीं ओपन ओपन खेलने लायक हूँ, पहले आप वजन खेला करता। अच्छा वजन में बेस्ट है? हाँ जी मैं 6-7 में बेस्ट है वजन में। के प्राइज जीता? मैंने जी चांदी चैन जीत रहा है, चांदिया कड़ा जीत रहा है, बाकी 31 ट्रॉफी जी। तो जैसे भाई तो बाद बेस्ट के प्राइज आओ हैं, जब किसा महसूस हो? बहुत खुशी हो जब बेस्ट आओ, मतलब भाई वो कहा आगरा के नाम उसका मिला जी एक तो सतपाल डीपी का आगरा, बस 100 किलो की ताकते टकराओ तो चोट बड़ी लाग गई इस खेल में, तो फिट रहे या चोट फिट हुई है? चोट फिट भी लाग गए जी, फिट भी रहा तकरीबन, चोट फिट तो भी लगभग बच रहे हैं जी। बच रहे हो? हाँ जी। तो
जो एकेडमी में तो मुड़ा प्रैक्टिस करो हो जाएगा पहलवान दर्शन पहलवान जो प्रैक्टिस कराओ है संतुष्ट हो। हाँ जी मैं संतुष्ट हाँ जी ओडे तैयारी करा कर बढ़िया तैयारी करा जी सब खाना वाना बढ़िया मिला। हाँ जी सब बढ़िया मिला जी रेजावान खड़ा है पहलवान अड़े जाए तो ना ना जी सही खाना मिला। एक नंबर ही तैयारी जी की जो रहने का जो प्रोग्राम है वो सारा बढ़िया जी रहन बढ़िया खाना पीना प्रैक्टिस सब बढ़िया। तो इस सीजन में भाई जैसे बढ़िया गेम चल रहे हैं तो किसा प्रदर्शन है ईवलग बढ़िया प्रदर्शन है जी सही है जमा सही प्रदर्शन है। तो आज तक का सबसे बेस्ट टूर्नामेंट कौन सा रहा आज तो पंजाब में खेला था जी मैं मानसा साइड डोड़ा सब तो बेस्ट प्रदर्शन था मेरा वजन में 70 किलो में थोड़ा बेस्ट आज मैं चांदिया कटा जीता था मैंने एकदम से विदेश जाने का मौका मिल जा तड़के तना कि गोविंद ने विदेश खेलना है कौन से देश में खेलना सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा तना मूड खेलूँ कनाडा में बेस्ट लगा जी भाई कनाडा आयो देख लो गोविंद ने अरे बरसोड़ा छोरे ने कनाडा में जल्दी खेला मेहनत करेगा ना मेरे भाई तो मैं तो मजाक करूँ आपसी भाईचारा अपना ज़्यादा मजाक चल रहे हैं भगवान तने जल्दी ये कनाडा में खिलाओगे और कनाडा तो भी ऊपर रोज़ मतलब कितने कितने बाहर रहेगा अच्छा गेम देखा नेक नियत बढ़िया प्रदर्शन कर बहुत बढ़िया है और अच्छा लगे जाएगा ना पहलवान बच्चों की नुए तैयारी कराई जाओ थोड़े नज़दीक आ जाओ मैं ये पाड़ू मेरे हर दूर ये हरियाणा के भाई बहुत ही बढ़िया साफ छवि के एक कोच हैं बहुत शुद्ध इंसान हैं और भाई बहुत बढ़िया कोचिंग देवे हैं जींद अकेडमी है पहलवान जी की दर्शन पहलवान जी के साथ में मिलकर इन्होंने अकेडमी बना रखी है कोई भी भाई पहलवान कबड्डी की प्रैक्टिस करना चाहे तो इनके पास आ जावे अंतर्राष्ट्रीय सतर के पहलवान तैयार करे हैं जिंकू खरेटी ने कौन नहीं जानता भाई और भाई और ये भाई हैं मोनू खरेटी हरियो गोविंद और भी कई बालक उड़े वो गांगुली वाले हैं बहुत बढ़िया बढ़िया बालक उड़े मैंने देखे हैं। हाँ कोथ्याला है वो एक भाई बहुत हाँ कई बालक उस अकेडमी ने भाई दिए हैं तो किसी का भी मन करे जगवन पहलवान अर्गी अकेडमी में आ जाओ जगवन पहलवान एक बार अपना नंबर ले जाओ हमारे दर्शकों को बता दो। मेरा नंबर है जी 79883094958 जी। जी के क्या सुविधा है आपकी अकेडमी में खाना रहना सब कुछ है जी अपने और बहुत बढ़िया डिसिप्लिन है सारी चीज़ है जी वहाँ फीस जी 5000 रुपये महीना लिया करा जी हम कोई भी इस अकेडमी गरीब बच्चा हो उसकी हम खूब मदद करा उसकी कोई फीस नहीं खाना पीना सब रहना फ्री है कोई गरीब घर का है उसका सब खाना पीना रहना बढ़िया प्रैक्टिस करावाएंगे उसकी कोई दिक्कत नहीं। ये दे हरियाणा के एक बहुत ही बढ़िया कबड्डी खिलाड़ी भी रहे हैं और कोच भी हैं हर चीज़ से मददगार इंसान है तो पहलवान जी आपका भी धन्यवाद थैंक यू वेरी मच जो इतना समय दिया इतना प्यार प्रेम दिया और भाई छोटे भाइयों मेहनत करोगे तो सारा सौदा पे आ जाएगा विदेशा में के टूर और पैसा और नाम और शोहरत मेहनत तो तब न करनी पड़ेगी ऐसा कुछ है नहीं अब 200 रुपया को सामान थारे भर ऊपर धर दिया तुम पार बोलोगे मेहनत करनी पड़ेगी तो भाई एक बार मैं चाहूँगा दर्शकों को एक तगड़ी से राम 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 सारे भाई राम राम भाई जय कबड्डी जय हरियाणा जय हिंद।